छेड़छाड़ के 10 मामलों का जिक्र, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या आरोप और कौन सी धाराएं लगी, आज उसका खुलासा करेंगे। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध अभी भी जारी है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दायर 2 केस में आरोपियों की बौछार कर दी थी। उनके खिलाफ दर्ज FIR में मदद के बदले उनके खिलाफ हर चीज के फेवर की मांग की थी। यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं में से 10 में अनुचित तरीके से बॉडी को छूने और गलत तरीके से टच करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि दोनों FIR में IPC की धाराएं 354, 354A, 354D और 34 लगाई गई हैं। इन धाराओं में 1 से 3 साल की जेल की सजा होती है। पहली प्राथमिकी में पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल है। दूसरे में एक नाबालिग के पिता ने आरोप लगाए, इसे पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज किया गया। इसमें दोषी होने के 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। FIR में दर्ज घटनाएं कथित तौर पर 2012 से 2022 के बीच की है, जो कि भारत और विदेशों में हुई। दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक नाबालिग का आरोप है कि उसे कसकर पकड़कर तस्वीर लेने का नाटक करते हुए आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके कंधे को जोर से दबाया और जानबूझकर उसे गलत तरीके से टच करने लगा। नाबालिग ने आरोपी को लेकर ये भी कहा कि पहले ही उसे ये सब बता चुके थे कि उसे किसी भी प्रकार से यहाँ पर इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, उसका पीछा बंद कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ ये सब कुछ हुआ। एक दिन जब वो होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, तब आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मुझे अलग से अपने खाने के मेज पर बुलाया और मेरी सहमति के बिना मुझे गलत तरीके से टच करने लगा। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और उसके हाथ की वजह से मुझे थोड़ा सा गलत एहसास हुआ। हालांकि वो वहां पर नहीं रुका और उसने और भी गलत तरीके से और मेरे करीब आने की कोशिश की। उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के WFI कार्यालय में उसने मेरी सहमति के बिना मुझे गलत तरीके से छुआ और गलत तरीके से मेरे करीब आने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर कई तरह से स्टेटमेंट है, जहाँ पर पहलवान 1, पहलवान 2, पहलवान 3, 4, 5, 6 सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे आरोपों को लगने के बाद और बयानों को दर्ज करने के बावजूद भी अब क्या फैसला लेने वाली है सरकार। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।